चाहे बंगाल में हूँ, चाहे बिहार में हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश। खबरों में आपको क्या लगता है, कई बार गलत खबर भी लगा देते हम? नहीं, हमें नहीं लगता अच्छा गलत खबर लगाएंगे। हमें तो रियल जो आप आदमी के अंदर घुस के बात करते हैं, आप जो आप सच्चाई पेश करते हैं, उससे बड़ा हमें कोई पत्रकार नहीं मिलता। आप बहुत ही एक नेक और अच्छे पत्रकार हैं सर। हमारे संदीप लोड़ जी पहुंच गए, जोरदार स्वागत किया जा रहा है फूलों से बड़नपुर गांव में। बड़नपुर की ये तस्वीरें देख रहे हैं। सबसे पहले एंट्री माताएं बहनें भी आशीर्वाद देती हुई। स्वागत में पहुंचे हो। अच्छा, आपको पता चल गया था पहले संदीप जी आ रहे हैं? हाँ जी, अच्छा अच्छा मतलब आशीर्वाद देना था। मैं देश की आजादी के लिए प्रचार करता हूँ, ये व्यक्ति देखो। तो बड़नपुर के साथी हैं भाई जी, कैसा मौला गाँव है? अच्छा, तो पहले किसका वो रहता था यहाँ गांव में? अच्छा, छुट्टी पड़ रही है और कहना लग गए पूरा बड़नपुर कर लिया है संदीप लोड़ जी के द्वारा। तो देख सकते हैं पूरे गांव के अंदर चल के बाद यहाँ पर फिर दोबारा समाप्ति करेंगे कार्यक्रम को। तो देख सकते हैं लोग पूरे होश जोश से नारे लगाते हुए। बड़नपुर में गांव में पहुंचे हैं, हालांकि हमारे जो सब्सक्राइबर है फैन फॉलोइंग वक्की तो सभी जगह मिल जाती हैं, लेकिन भाई साहब गुड़गांव में क्या नाम है सर? मेरा नाम कृष्ण है। कहाँ रहते हो? गांव का रहने वाला हूँ मैं, एक ट्रांसपोर्ट में गुड़गांव में ही काम करता हूँ। मैं एनजी न्यूज़ के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप मेरे गाँव में आए हुए हैं। और मैं संदीप लोट जी का, एनजी न्यूज़ की टीम का बड़े तहे दिल से इस गाँव बड़नपुर की तरफ से बड़ा ही स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से जो संदेश जाएगा वो देश पूरे देश में जाए और सबको ये पता लगे संदीप लोट जो है एक अपने बहुत ही जनप्रिय नेता हैं। इनको टिकट मिलते ही ये हमारे लिए
बहुत ही अच्छे-अच्छे कार्य करेंगे हमें ऐसी उम्मीद है। तो सर देखो हमारा चैनल देखते रहते हो मतलब बाहर बैठ के देखते हो या यही बडनपुर में? सभी जगह बैठता हूँ मैं, चाहे गुजरात में हूँ, चाहे बंगाल में हूँ, चाहे बिहार में हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश। खबरों में आपको क्या लगता है, कई बार गलत खबर भी लगा देते हम? नहीं हमें नहीं लगता। अच्छा, गलत खबर लगाएंगे हमें तो रियल, जो आप आदमी के अंदर घुस के बात करते हैं, आप जो आप सच्चाई पेश करते हैं उससे बड़ा हमें कोई पत्रकार नहीं मिलता। आप बहुत ही एक नेक और अच्छे पत्रकार हैं। सर हमारा ये नहीं होता अभी हम आपको ये कहेंगे, मैंने तो नहीं कुछ को अभी को बोलो आप बोलो मेरे बारे में। नहीं नहीं नहीं, जो हमें आपके अंदर जो क्वालिटी लगी है वही हम। देखो मैं आपसे पहले कभी नहीं मिला, बिल्कुल यानी देखा आपको सिर्फ फोन के माध्यम से देखा है, मैं आपका फैन सर और आपकी बिल्कुल सर। कभी भी किसी भी प्रकार रात दिन कभी भी अगर कोई समस्या है, सार्वजनिक समस्या पर्सनली, क्योंकि पर्सनल तो मैटर उलझलते रहते हैं, आपकी कोई सार्वजनिक समस्या उस समय किसी भी समय आप मुझे याद कर सकते हैं, एनजी न्यूज आपके द्वार मिलेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देख ले दोस्तों को नमस्कार, सुंदरपुरा गांव में पहुंच चुके हैं संदीप लोड। सुंदरपुरा गांव से ये तस्वीरें देख रहे हैं, संदीप लोड जी का काफिला जो है लगातार गांव का गांव जा रहा है, और ऐसे में सुंदरपुरा गांव जो वोट के हिसाब से मजबूत माना जाता है, तो पहुंचे हैं। जितने भी दर्शक जुड़े हैं खबर को शेयर करें। स्वर्गीय रामफल लोड जी के पुत्र संदीप लोड जी पहुंचे हैं सुंदरपुरा गांव में। और जी इधर आ जाओ, दर्शक तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो सुंदरपुरा गांव में लोगों से मिलते हुए, बुजुर्गों से मिलते हुए ठीक हो? भाई साहब कैसे हो? लव आई गॉट यू। हाँ ले भाई, गांव सुंदरपुरा में। हाँ बेटा क्या कहो, क्या नाम है? 26 जनवरी थी, क्या परफॉर्मेंस करके आई? कौन से उस पे डांस कर आया है? बावन गज का भाई। कहाँ वीडियो? फोन में। अच्छा फिर भेज देना, ठीक है बेटा, किसी ने भी किया है? और किसी ने भी। अच्छा आप ये क्या सोच रहे थे, एनजी न्यूज पे आएगी? डाल देंगे बेटा। किसी कर रहा था डांस? अच्छा एक ही बात कहने को है, पर जो सही बात ये है कि जो मेरे पिताजी के किए हुए काम है, जो वो सभी के सुख दुख में शामिल होते थे, वो कहीं ना कहीं वो प्यार मुझे 30 के 30 गाँवों में देखने को मिला है, और अपार प्यार है। आज गणतंत्र दिवस का बहुत बड़ा त्यौहार है आज। बच्चा साए थे, उस साल में सज लगवाए थे।
धरोदी गांव की गौशाला है और यहां पर संदीप लोट पहुंचे हैं माथा टेकने के लिए। तो भाई जितने भी दर्शक जुड़े हैं खबर को शेयर करें। ये है गौशाला धरोदी की के सदस्य हैं, उनसे मिलते हुए बाबा जमीननाथ गौशाला धरोदी में आशीर्वाद लेते हुए गांव के ही बुजुर्ग बुद्धिजीवी कमेटी के सदस्य है ये सभी। नमस्कार जी, मैं बाबा जगन्नाथ जी धरा गाँव धरोदी में पहुंचा हूं और आज के दिन का मेरे ये पांचवा गांव है। मेरे को मैंने परिवार सहित और अपने गांव के बुजुर्गों को अपने साथ लेकर के एक यात्रा शुरू करी थी जी, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देने की। तो 5 तारीख से हमारी ज़्यादा ये यात्रा चल रही है जी और इस यात्रा को पूरी करते हुए आज हम मतलब ये हमारा 25वां गांव है जहाँ होते आपके गांव में पहुँचे। मेरा अपना गांव है जी, तो मेरी आप सबको हाथ जोड़ करके नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी हैं और बाकी आप लोगों को हमारा पता है जी परिवार निकला हुआ है तो इसी बहाने सबसे मिल लेते हैं, बातचीत हो जाती है, आशीर्वाद मिल जाता है, हमारा मतलब सबसे जान पहचान करने का मौका मिलता है। ¡Gracias!
سن بنوایا تھا کھیتا مر پانی پہنچایا تھا کلوڑ گام کا سن بنوایا تھا کھیتا مر پانی